विकास रामू पंकज में तीन जना हाट रोमानिया मैं पजरा गया में माने एजेंट हो मांगो विनोद जो माँ बाप 11-11, 12-12 लाख रुपया लिया क्यों था ने सुजान गुडू था ने दिल्ली सीधा जर्मन की वर्क परमिट की बात करी और लियार माने पहली अजरबैजान पजा दिया अब बिग बाद में सर्बिया पजा दिया बस धमकिया दे तो माने कि अगर तान जिंदा रहना तो तान पैदल ही रस्त बॉर्डर पार करना जानो पड़ी नहीं तो थाने मैं बट मरा दू ना या करा दू ना उन्दी उन्दी धमकिया दे तो ये तीन जना एक विनोद हो दो जना और अजरबैजान को क्यों अगर ई रस्ता नहीं गया तो ताने बड़े गेला में मरवा देना तो मैं डरता फोन कौन करियो और ना कोई कंप्लेंट करी और मैं घर का ना आई कहता तो मैं ठीक हाँ। एक सर्बिया के अंदर आज माने करता करता 7 महीना हो गया पूरा ना तो एक रुपये कमाए और ब्याज पर रुपया ले रहा बेसगड़ा घर शान ले मांगी और मैं बहुत दुख पा रहा हटे देख लो पेरे ना मांगने कपड़ा को नहीं और इतना मतलब बहुत ज्यादा मन जलील कर दिया है वो विनोद अब मंगन कोई रस्त को नहीं करा मैं करा गाय गेला कमाए ना जंगला कमाए ना जंगली जंगल में आज मैंने 1 महीना हो गया जंगल कमाए बर्फ कमाए ना एक पिसल्ट कमाए बैठा ना खाबा न की है ना की और है अब फाटेड़ा पुटेड़ा पूर रहे मांगन और विनोद जितिवार फोन करा जाएंगे अगर कोई ने कह दियो तो पेट थंगे हालत खराब कर दिया ना मगर घर का नहीं डरा रखे और मानी डरा रखे और 12-12 लाख रुपया ले लिया मैंने और हर बार माने धमकी देवा हर बार धमकी देवा जब मैं इतना दिन हूँ शांति हूँ बेटा मैं बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इन रामून पूछ लो क्या अब मुसीबत बता पहले नेट की है को नहीं एक बनियान है खाली ये बनियान का मैं रहना पड़ा पजाम है बर्फ का मैं काकू है विनोद गहलोत है नाम है समाज अगर पहला दिन नहीं है आदमी ले लिया माने बट मारे ने जंगला में छोड़ चली गयो वो माने रात में 2 बजे हंगरी का बॉर्डर के ऊपर छोड़ दियो मैं मना करे हो हंगरी पुलिस पकड़ी माने बहुत कोजा कुटा आदि का ये देखो ओ बट आदमी आ बट लड़ाई होगी जगह बंक सा गया पाकिस्तानी और अफगानी डोंकरा बंक सा लड़ाई होगी चुको बट बहुत मुश्किल हूँ रात में 3 बजे बट बटू मार कुटार बटू में भाग यार जंगड़ा माने बट 3 जना छोड़ गया -degree को टेम्परेचर को 5-60 degree को टेम्परेचर हो बट मारने छोड़ गया न मगन खाना का की न कोई पीना का की 2 दिन का भूखा बट बैठा कोई हंगरी पुलिस आई जकी पकड़े लेगी बा ले दियो मनट वो साहब जितनी मांगी कोई मदद करो ताकि मैं फस गया बहुत बुरी तरह और मांगा बहुत बुरी तरह मैं फस गया मैं घर पर जाना चाहूँ और माने घर जानो है और ने मैं आल तक कोई पुलिस कोई कंप्लेंट कौन करी वो मान विनोद बार बार धमकियां दे रहे विनोद के साथ 2 एजेंट और है वे मान धमकियां दे रहे हैं एक अजरबैजान को है एक पाकिस्तान को है अरे सर्बिया का मायने आज 7 महीना हो गया माने बहुत जलील है बहुत खटा दाब गया रोटियां का रुपया भी घरों मंगा मंगा देवा मान देना पड़े धमकियां देवे छोरा जीवता कौन रहे लागर थे कुछ कंप्लेंट कर दी तो की कंप्लेंट कर दी तो अब मैं गांव जानी चाहवा साहब और मगर रुपया 12-12 लाख रुपया लिया एक आदमी का अब देख लो मेघटू ब्याजपुर लिया लू और बिन दिया क्यों सुजानगढ़ दिल्ली हूँ ताने सीधी जर्मन वर्क परमिट है क्यों 8 दिन हो गया आज क्यों मैं जर्मनी पुगा सुजानगढ़ में चौका काम करा कमा जगह माने यार उनका घोड़ अटकाट दिया देख लो क्यों ताने सुजानगढ़ दिल्ली हूँ 8 घंटा मैं जर्मनी फ्लाइट करा दी हूँ वर्क परमिट दे रहा हूँ जो आज 7 महीना हो गया और 8 घंटा बाकी है ठीक है साहब